हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली। मेरे चैनल अर्बन लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चिली पनीर, जो हम सबको बेहद पसंद है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक फ्राई पैन, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला और उसको पूरे फ्राई पैन में मैंने इस तरीके से कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं पनीर को फ्राई नहीं करूँगी। ये मेरी रेसिपी जो है बहुत ही, आप ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑयल आप समझिए। जैसे लोग जब बनाते हैं मोस्टली इसको पनीर क्यूब्स को कॉर्न में लपेट करके उसको तल करके बनाते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी रहता है, फ्लेवर भी रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पनीर के क्यूब्स को इस तरीके से डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और पिंच भर हल्दी मैंने ऐड की है और थोड़ा सा काली मिर्च। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्लैक पेपर यूज़ की है। अब इसके बाद इस तरीके से इसको सारे जो पनीर क्यूब्स को इस तरीके से हिला हिला करके जिससे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये इस तरीके का हमने सीजनिंग कर दिया है और अब हम इसको अलग करके रख लेंगे। इसके बाद मैंने एक खाली फ्राई पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें सिर्फ 2 चम्मच ये कुकिंग ऑयल डाला है। फ्रेंड्स, ये देखिएगा कि कितने कम तेल में हमारी ये डिश बन करके तैयार हो रही है और बिल्कुल भी ये तली हुई नहीं है, ना ही डीप फ्राई है किसी भी तरीके से। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन, बहुत ही बारीक कटा लहसुन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लहसुन। और इसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक, बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा कटा हुआ, ये सिर्फ 2 चम्मच टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैंने अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद जब हल्का सा कलर चेंज होने लगा तब मैंने इस तरीके से लंबी कट की हुई ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए, जब हल्का सा ये कलर चेंज होगा तब हम इसमें अपना प्याज, कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, प्याज को इस तरीके से काटिएगा, स्क्वायर शेप्ड लगे जिससे। और इसी तरीके से मैंने बाद में इसमें शिमला मिर्च भी इसी तरीके से कट किया था। और ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च भी ऐड किया, इसके सीड्स हमने निकाल दिए हैं। सीड्स को या अंदर के पोर्शन को हम किसी और सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और शिमला मिर्च लगभग एक ही जैसा कटा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब इस तरीके का कंसिस्टेंसी हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, तो हम इसमें फिर बाद में पनीर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पनीर को इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है चाय में, स्नैक्स के रूप में। अब हमने प्याज और शिमला मिर्च में इस तरीके से जो टमाटर काट करके रखा है, इसके भी मैंने सीड्स हटा लिए हैं, बिल्कुल एक छोटा सा टमाटर मैंने यूज़ किया है। सीड्स को हटाने के बाद ये टमाटर भी ऐड किया और 30 सेकंड लगभग फ्राई करने के बाद इसमें मैंने आधी से एक चम्मच सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस जो आती है मार्केट में, वो ऐड किया। और इसके बाद इसमें आधी चम्मच मैंने वाइट विनेगर डाला, वाइट विनेगर सिरका। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच शेजवान सॉस, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे सारे उस इंग्रेडिएंट्स को। बहुत ही परफेक्ट लुक हमारा धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है हमारी सब्ज़ी का। डिश देखिए किस तरीके से प्रिपेयर होती चल रही है। आधी चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मिर्च भी दोस्तों आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, मैंने 4 से 5 चिलीज़ या हरी मिर्च ली थी। अब इसके बाद जो हमने सीजनिंग करके पनीर रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, इनको अगर हमको ड्राई चिली पनीर चाहिए तो 1 मिनट इस तरीके से सॉटे करने के बाद हम इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये अपने आप में ही एक परफेक्ट पूरी सी डिश है, पर अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे चूँकि ग्रेवी वाली चाहिए इसलिए मैंने इसमें 1 कप
वाटर ऐड किया और उसमें 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर को पानी में घोल करके मैंने ये देखिए अभी अभी ऐड किया। अब 1 कप पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अकॉर्डिंगली घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसको अच्छे से चलाने के बाद हम इसको ढक करके रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी परफेक्ट डिश बन करके तैयार हो गई है। कॉर्न फ्लोर के बाद हमारी सब्ज़ी गाढ़ी भी हो गई है। सिर्फ 2 चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर यूज़ किया था, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मेरी ये डिश, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से मुझे बताइएगा और इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स पोस्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।